महम के सामण गांव में 48 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। सामण पुठी रोड की है घटना। व्यक्ति सिलाई का कार्य करता था जो अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ था, जिसे 3 मोटरसाइकिल बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी, जिसमें मृतक व्यक्ति को लगभग 4 गोलियां लग गई, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। व्यक्ति की पहचान 48 वर्षीय सामण निवासी अशोक के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना पाते ही महम DSP व SHO दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हुए घटना में साक्ष्य जुटाने के लिए FSL टीम भी मौके पर बुलाई गई। वहीं गोली चलने की खबर लगते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं महम SHO प्रहलाद सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सामण गांव में गोलियां चली हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये अशोक पुत्र धर्मचंद है, ये जो टेलर की दुकान करता है यहाँ सामण पुट्ठी रोड के ऊपर, और लगभग 4:15 बजे के लग की बात है, बाइक सवार एक अज्ञात बाइक सवार थे, उन्होंने गोली चला के इसको लगभग 3 या 4 गोलियाँ लगी है और जिसकी मौके पर डेथ हो गई। इसकी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इनकी पत्नी की दरखास्त पे पर्चा दर्ज करके गिरफ्तारी का शीघ्र प्रयास किया जा रहा है। क्या किसी का नाम लिया है? नहीं, अभी तक तो अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार के नाम है। इसमें पुलिस पुरानी रंजिश को जोड़ते हुए कोई मामले के उस एंगल को देख रही है और इस संबंध में इस रास्ते पे पुलिस रोड पे एक दो घरों पे कैमरे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाड़ी, उसमें कुछ इस तरह के सुराग लगे हैं, जिसमें कोई मूवमेंट दिखाई दे रही, तो उसके मोमेंट को आधार बनाते हुए CCTV कैमरे के एंगल को आधार बनाते हुए उसमें जो कोई भी संदिग्ध है उनको जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें CIA की सभी टीमें, कपड़ा टीमें और थाने की टीमें लगी हुई हैं।